दो पर्सनैलिटीज यहाँ पे मौजूद है, एक तो वही लड़का है, दूसरा मिस्टर जोकर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? फखर। फखर समाज? नहीं, मोहम्मद फखर आलम। मोहम्मद फखर। और आपका क्या नाम है? अहमद। अहमद। अहमद, आपके वहूलिये से तो हमें पता चल रहा है कि आप जोकर हैं और लोगों को हंसाने का काम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना मुश्किल होता है, इंसान अंदर से टूटा हुआ होता है लेकिन वो दूसरों को हंसा रहा होता है। मुश्किल नहीं होता, यानी कि बच्चों की तरफ देख के, बच्चों की तरफ खुद ही, यानी कि अंदर से फीलिंग आ जाती है बच्चों को खुश करने वाली। बच्चों को देख के बच्चा बन जाना, ये आपका काम है? जी बिल्कुल। लेकिन कभी ऐसा भी तो दिन होता है, जैसे आपने तो डेली जाना है कहीं ना कहीं, अपना वो काम करना है, हंसाना है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि इंसान अंदर से इमोशनल हुआ होता है, टूटा होता है, उस दिन उसका दिल नहीं कर रहा होता कि वो उसको आके कोई तंग भी करे या आके बात भी करे, उस दिन भी आप हंसा रहे होते हैं, तो वो एक कैसा फील होता है? वो ऐसा फील होता है कि जैसे बच्चे जब देखते हैं ना, बच्चों की स्माइल होती है ना, उसकी तरफ अपना यानी कि गम भूल जाता है इंसान। अच्छा। अपना गम भूल के ना, यानी कि अगर कोई घर में कोई बात भी हुई है ना, कोई भी ऐसा कोई भी चीज़, बच्चों की स्माइल की तरफ देख के ना, अपनी चीज़ भूल के ना, बच्चों की तरफ लग जाते हैं। कितना पढ़े हैं आप? मैंने मैट्रिक, यानी कि मैट्रिक नहीं मुकम्मल किया, 9th में से मैंने छोड़ दिया। अच्छा, 9th में छोड़ा क्यों था आपने स्टडी? वैसे यानी कि कुछ घर के घरेलू मालूम की वजह से, अबू के यानी कि ऐसा कारोबार नहीं था कि अबू यानी कि सारा कुछ कर सकते। जब आप जोकर बने तो आपके घर वालों ने इजीली एक्सेप्ट कर लिया इस फील्ड को? मुझे तो घर वालों को मैंने खुद ही बताया कि ये काम, मैंने एक इंसान देखा है दोस्त को ऐसे वो कर रहा है काम, तो मैंने भी करना है। तो घर वाले पहले मुझे कहते रहे कि नहीं अच्छा काम, ये आप क्यों करोगे? मैं कहा नहीं, मुझे देखो मैंने अच्छा लगा, मैं करूँगा, मैं अच्छी फील्ड है, मैं बच्चों को हंसाना, कुछ बच्चों के साथ खेलते रहना। और मैं मुझे तो नहीं, आप हैप्पी हैं इस फील्ड से तो फिर तो अच्छी बात है। आप मुझे बताएं भाई, बचपन में जब आप, अभी भी आप बचपन ही आपका चल रहा है, लेकिन इससे जब थोड़ा सा और छोटे थे आप, तो कभी जोकर वगैरह का देख के कैसा फील आता था? कुछ नहीं, बस अच्छा लगता था, दिल करता था देखेंगे इस मास्क के पीछे कौन है। तो कभी तंग किया ऐसे लोगों को कि मतलब हमें शक्ल दिखाओ? क्यों? उसकी मर्जी दिखाए ना दिखाए। उसकी मर्जी है दिखाए या ना दिखाए। अक्सर बच्चे आके इंसिस्ट करते हैं कि अपनी शक्ल दिखाए? नहीं, कोई बच्चे डर जाते हैं, उनकी माएँ कहती हैं कि आप अपने शक्ल दिखाएं इनको कि ये रोए ना। अच्छा, तो फिर हम दिखा देते हैं, कोई मसला नहीं है। जब कभी तुम कभी तुम नहीं डरे? कभी नहीं, मैं नहीं डरा। कभी शौक हुआ तो देखा भी नहीं? नहीं। अच्छा, कभी तुम्हें मौका दिया जाए कि किसी को हंसाना है तो तुम हंसा पाओगे? पता नहीं, हंसा पाऊं शायद। मुझे लगता है ये चुप करके खड़ा रहेगा, ये जो इतना खामोश इंसान है। हिडन टैलेंट क्या है आपका? वैसे मैं बस पढ़ता ही हूँ। मैं बस पढ़ता ही हूँ, पढ़ता ही रहता हूँ। क्या बनने का शौक है? मेरा एयरफोर्स में जाने का। एयरफोर्स में जाने का, माशाल्लाह, जितनी आपकी अच्छी सोच है, अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करे। मुझे बताएं कि गाना गा लेते हैं, पोइट्री कर लेते हैं, आप दोनों में से कोई? नहीं, मुझे नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। कुछ नहीं आता है ना, कुछ भी नहीं आता, कसम ले लो कुछ नहीं आता। सही हो गया, बस ये आता है साना। अच्छा, आपने फेवरेट दो तीन स्टेप करके दिखाएं जो हम दोनों साथ साथ करेंगे, ठीक है? चलेंगे। वेल, इट्स नाइस, थैंक यू सो मच।